जय हिंद। फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करने जा रहे हैं। काफ़ी दिनों से इस स्टॉक के बारे में बात नहीं हुई है। कंपनी के क्वार्टर फोर का नंबर आए हैं, क्वार्टर फोर का नंबर अच्छा आए हैं, इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में आने वाले शॉर्ट टर्म में क्या होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से कंपनी कैसी है इसका भी संपूर्ण एनालिसिस इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन शुरुआत शुरू से करेंगे। अभी देखिए 2.90 रुपये के आसपास इस कंपनी का शेयर प्राइस चल रहा है। मैं एक दिन की बात करूँ तो तकरीबन देखेंगे 1.5% से ज़्यादा की गिरावट के साथ इसने मतलब क्लोजिंग दिया हो। पिछले एक सप्ताह की बात कर ले तो एक सप्ताह में भी गिरावट तकरीबन सेम ही है और एक सप्ताह में भी स्टॉक आपको लोअर सर्किट में ही चलते हुए दिखाई देगा। लोअर सर्किट यानी कि जब प्राइस नीचे की तरफ जाता है लोअर सर्किट में, और उस समय आप इस किसी भी कंपनी के स्टॉक को बेचकर बाहर नहीं निकल सकते। पिछले एक मंथ की बात करें तो एक मंथ में देखेंगे गिरावट तकरीबन सेम ही है, 1.5% से ज़्यादा की गिरावट है। लेकिन 18 मई के बाद देखेंगे तो प्राइस काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गया था। 19 मई के दिन तो काफ़ी नीचे आ गया था, लेकिन उसके बाद फिर प्राइस ऊपर चढ़ा। और अभी देखेंगे तो ये जो 2.90 रुपये का लेवल है इस कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं पर बार बार प्राइस आकर सपोर्ट ले रहा और फिर प्राइस यहीं से ऊपर उठ जा रहा है। तो ध्यान देना है कि ये लेवल यदि टूटता है तो ज़्यादा दिक्कत आ जाएगा। हालांकि हम लोग जब बाद में ग्राफ पर समझेंगे तो बातें ज़्यादा आसानी से क्लियर होंगी। यहाँ पर पिछले 6 मंथ की हम लोग बात करें तो 6 मंथ में तकरीबन 42% के आसपास ग्लोब टेक्सटाइल टूट चुका है, जो काफ़ी टेंशन की बात है। अब यहाँ पर हम लोग ग्लोब टेक्सटाइल्स इंडिया लिमिटेड को डिस्कस करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कंपनी का चार्ट देखेंगे और चार्ट के माध्यम से बात को समझेंगे कि अभी शॉर्ट टर्म में इस कंपनी का शेयर प्राइस कहाँ जा सकता है। यहाँ पर अभी आपके लिए हमने एक्सेल का चार्ट ओपन किया हुआ, और एक्सेल के चार्ट पर जब आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस कंपनी का शेयर प्राइस अभी 3 रुपये से 2 रुपये इसी के बीच में काफ़ी दिनों से घूमते हुए नजर, तकरीबन मार्च से ही देखेंगे, मार्च 2023 से तो ये 3 रुपये से लेकर 2 रुपये इसी के बीच में इस कंपनी का शेयर प्राइस कंसोलिडेट करते हुए नजर आ रहा है। अच्छी बात यह है कि कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने सब रेजिस्टेंस लेवल के पास ये मतलब घूम रहा है। रेजिस्टेंस लेवल के पास जब घूमता है तो इसका मतलब होता है कि जब भी इससे बाहर निकलेगा इस कंसोलिडेशन से तो प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा, और ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो सीधे 5 रुपये तक आएगा, क्योंकि 5 रुपये के पहले इस कंपनी का शेयर में कोई दूसरा रेजिस्टेंस नहीं है। यानी कि अभी प्राइस का जहाँ पर भी चल रहा हो, जब तक 2 रुपये से प्राइस नीचे नहीं जाता है तब तक हमें टेंशन की बात नहीं है। 2 रुपये से ऊपर है यानी कि ठीक है, कंसोलिडेशन रेंज में है, और इसे जैसे बाहर निकलेगा 2 रुपये से सीधे प्राइस आपको 5 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। और मैं ऐसा इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी के क्वार्टर के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट को हम डिस्कस करें तो ये रहा इस कंपनी के क्वार्टर का रिजल्ट। और क्वार्टर के रिजल्ट में सबसे पहले हम कंपनी के सेल्स की बात करते हैं। देखिए मार्च क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर फोर में जो कंपनी के टोटल सेल्स हुए 110 करोड़ के आसपास हुए, जो कि पिछले क्वार्टर में सिर्फ 74 करोड़ के आसपास था, उसके पहले 99 करोड़ आसपास था। यानी पिछले 3 क्वार्टर में देखेंगे तो कंपनी के सेल्स इस बार सबसे ज़्यादा होते हुए दिखाई दिए हैं। इसके अलावा यदि कंपनी के एक्सपेंसेस खर्चे की बात करें तो खर्चे भी औकात में ही कंपनी ने किए हैं, यानी कि जितना कमाई हुआ है उससे कम ही खर्च किया है, ज़्यादा खर्च नहीं किया है, इसलिए ये कंपनी जो है प्रॉफिट में है। यदि अवकाश से अधिक खर्चा करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा, लॉस होगा। लेकिन ये कंपनी देखिए यहाँ पर 1 मार्च क्वार्टर में तो कंपनी प्रॉफिट में 76 लाख के आसपास प्रॉफिट करके आई है। पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का जो इस बार प्रॉफिट हुआ है वो ज़्यादा हुआ है। यानी कि ओवरऑल देखें तो क्वार्टर फोर के नंबर काफ़ी अच्छे आए हैं, और इसके बदौलत कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी आने के चांसेस हैं। इसके अलावा अदर चीज़ें देखेंगे जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी की बात करें तो आपको पता है कंपनी टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी है। टेक्सटाइल में टेक्सटाइल के जो बिजनेस है उसमें ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग दोनों करती है, यानी कि खरीद फरोख्त के साथ साथ कंपनी टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स भी बनाती है और उसको बेचती है। और फंडामेंटल की बात कर लें, ग्लोब टेक्सटाइल के दूसरे फंडामेंटल्स कैसे हैं, यदि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप इस कंपनी को कंसिडर कर रहे हैं तो ये बातें भी जाननी जरूरी है। तो यहाँ पर देखेंगे तकरीबन 43 करोड़ के आसपास इस कंपनी का मार्केट कैप है, और ROE और ROCE देखेंगे तो गजब कमाल का है, 8.5% के आसपास ROE और उससे ज़्यादा 12% के आसपास ROCE है। मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट पर साल पर कंपनी कुछ ना कुछ के 8% के आसपास से तो बहुत अच्छा रिटर्न कंपनी निकाल कर दे सकती है। शेयर प्राइस देखेंगे तो बुक वैल्यू से थोड़ा सा कम है, ये थोड़ी चिंता की बात होती है। सामान्यतः जो शेयर प्राइस होता है बुक वैल्यू से ज़्यादा होता है तो मज़ा आता है। स्टॉक का PE 9 के आसपास है। देखिए पेनी स्टॉक का PE तो महंगा होता ही है, वैल्यूशन वाइज थोड़ा सा ये स्टॉक अभी महंगा है, लेकिन नया इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा इसमें रिस्क ले सकते हैं। लेकिन जो भी कीजिएगा अपनी सोच अपनी रिसर्च के बदौलत कीजिएगा, मेरे कहने पर कुछ नहीं कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ ग्लोब टेक्सटाइल के बारे में जो बातें मैंने आपको बताई आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। मन में कोई सवाल है कन्फ्यूजन है कमेंट में जरूर पूछिएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझसे जुड़कर बातें करने के लिए आप मुझको इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और यदि ट्रेडिंग करके शेयर मार्केट से रेगुलर इनकम कमाना चाहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा पेम स्टॉक या एंजल वन में अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करा लीजिए, उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।